हेलो गाइस वेलकम टू द बाइलॉजी क्लास सो इन दिस टूडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास नाइन्थ चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और हम डिस्कस कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन प्लांट रिसोर्सेज तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट रिसोर्स के इम्प्रूवमेंट में या प्लांट में हम किस किस एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हमें डिजायर करेक्टर प्लांट्स में मिले फर्स्ट वी स्टडी क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट ये दिस जॉब इज बेसिकली लिमिटेड टू द साइंटिस्ट जो हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं या जिनका काम ऐसे सीड्स बनाना है जिसमें हमें कोई अच्छा करेक्टर मिले एडवांस करेक्टर मिले द सेकेंड एस्पेक्ट इन विच वी कैन वर्क सो एज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट या सो एज टू इम्प्रूव सो एज टू गेट द हाई ईल्ड और डिज वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्लांट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये इसको फील्ड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं फील्ड मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि दिस इज द मैनेजमेंट दैट यू कैन डू व्हेन द क्रॉप इज ग्रोइंग ऑन द फील्ड द फर्स्ट एस्पेक्ट वाज लाइक व्हाट यू कैन डू इन द लैब हाउ यू कैन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस अ गुड वेराइटी ऑफ सीड बट द सेकेंड एस्पेक्टिव येस यू हैव ग्रोन द क्रॉप इन द फील्ड अब आप जब क्रॉप फील्ड में ग्रो कर रही है तो आप कैसे कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या आप क्या काम कर सकते हैं कि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो जिससे ईल्ड अच्छी हो तो यहाँ पे इसको मैंने एक दूसरी लैंग्वेज में फील्ड मैनेजमेंट भी कह दिया है क्योंकि द क्रॉप इज़ ग्रोइंग ऑन द फील्ड तो हम इस मैनेजमेंट के तीन एस्पेक्ट पढ़ते हैं देखिए जब क्रॉप इज ग्रोइंग इन द साइल लैंड में जब क्रॉप ग्रो कर रही है तो सबसे पहला एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना है दैट इज़ इट्स न्यूट्रिशन हमको ये इंश्योर करना है कि सॉइल में वो सारे न्यूट्रिएंट हो या वो सारे मिनरल्स हो जो प्लांट को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए ताकि किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ग्रोथ हिंडर ना हो रुके ना द सेकंड इज़ अब आपने क्रॉप को न्यूट्रिएंट दे दिए इसके अलावा और क्या दे सकते हैं दैट इज़ इरीगेशन सेकेंड एस्पेक्ट जिसमें हम काम कर सकते हैं क्रॉप के ऊपर वो है इरीगेशन यू नो दैट वाटर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ओके एंड द थर्ड इज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन ये तीनों काम है जो हम खेत में कर सकते हैं ये दिस इन्वॉल्व यूज ऑफ केमिकल्स टू किल बैक्टीरिया टू किल फंजाई ठीक है वीड्स को रिमूव करना जो अनवांटेड ग्रास ग्रो करती हैं ताकि सारा न्यूट्रिशन हमारे डिजायर्ड प्लांट्स को मिले और इसी प्रोटेक्शन में एक चीज़ और इंक्लूड करूंगा मैं अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि किस समय कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाए क्यों करते हैं हम ये रोटेशन क्रॉप में इसका क्या बेनिफिट है ये हम स्टडी करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट इन्वॉल्व वन द क्रॉप इज ग्रोइंग ऑन द फील्ड यू शुड फोकस ऑन इट्स न्यूट्रिशन वाटर रिक्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज लाइक पैथोजें लाइक वीड्स एंड यू शुड डू समथिंग विच कैन रेगुलेट नेचुरली द न्यूट्रियट इन द सॉइल मतलब जिसकी वजह से सॉइल में हम ये इंश्योर करें कि ठीक है समय समय पर न्यूट्रियट्स रेगुलर बनते रहें तो हम उसको कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न सो लेट्स डिस्कस न्यूट्रिशन तो आप डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं अगर जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है लेट से अगर वो सॉइल नाइट्रोजन रिच नहीं है मतलब सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता प्लांट में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता प्लांट में नए सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो क्रॉप वेस्ट हो जाएगी सिमिलरली सपोज देयर इज अ मिनरल दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम अगर मैग्नेशियम प्लांट को नहीं मिलेगा तो प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बन सकता इसी मैग्नेशियम के साथ और रिक्वेसिट होती है दैट इज आयरन कैल्शियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप जिस सॉइल में प्लांट को ग्रो करा रहे हैं दैट सॉयल इज नॉट रिच इन मैग्नेशियम एंड आयरन देर विल भी नो डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपको पता है कि प्लांट फोटोसेंथेसिस नहीं कर सकता तो दिस इज वेयर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कम इन टू एक्जिस्टेंस तो इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर हम क्या इंश्योर करते हैं वॉट वी आर डूइंग वी आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रियट्स टू द सॉइल हमारा काम है सॉइल में न्यूट्रियट को प्रोवाइड कराना ताकि प्लांट उसको रूट के थ्रू अपटेक कर सके अब जो ये न्यूट्रियट हैं ये न्यूट्रियट की दो कैटेगरी हैं बेटा अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा अगर अमाउंट में दिया <coughs> तो इट इज़ हार्मफुल और कोई न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड इन गुड क्वांटिटी। ना गुड क्वांटिटी का मतलब भी यहाँ किलोज़ में नहीं होता है बेटा जैसे जब मैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा लेस देन टेन मिली मोल पर के जी मतलब पर के जी में इतना चाहिए मिली मोल इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर आपको इससे कम चाहिए तो ये न्यूट्रिएंट कहलाते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विच आर रिक्वायर इन माइन्यूट क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए फॉर एग्जाम्पल कॉपर फॉर एग्जाम्पल मोलिबनम फॉर एग्जाम्पल जिंक ओके दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे प्लांट की ग्रोथ को ही रोक देगा टॉक्सिक है और जो हमें एक्सेस देन या मोर देन टेन मिलीग्राम या टेन मिली मोल भी कह दो टेन मिली मोल पर के जी चाहिए दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो जैसे कि नाम से समझिए मैक्रो ज़्यादा क्वान्टिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम ये क्या कहलाते हैं मैक्रो तो ये बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है बेटा ये साइंटिफिक स्टडीज का आउटकम है कि आपको प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट देने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी वी हैव कैटेगराइज देम इनटू माइक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिय ओके सो दिस वाज रिगार्डिंग द न्यूट्रिय नाउ अब ये तो हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं सॉइल में होंगे प्लांट अच्छी ग्रो करेगा नहीं होंगे तो हमें सॉइल में सप्लाई देनी पड़ेगी और सप्लाई देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं दीज टू मैथड्स आर द फर्स्ट मैथड इज़ आप न्यूट्रिएंट की सप्लाई आर्टिफिशियल या सिंथेटिक केमिकल्स के द्वारा कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स या फिर कुछ नेचुरली मेड मतलब जिसमें कोई केमिकल नहीं है या केमिकल फ्री सब्सटेंसेस से कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मैनवर ये दो तरीके हैं जिससे यू कैन इंश्योर दैट देयर आर सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल लेट्स डिस्कस फर्टिलाइजर्स तो फर्टिलाइजर सबसे पहली बात ये आर्टिफिशियल है ठीक है मतलब मैन मेड है हमने इनको लैब्स में बनाया है केमिकल्स हैं ये ठीक है दूसरा जैसे फर्टिलाइजर्स की हम बात करें फर्टिलाइजर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं बेटा मतलब आपको अगर पता लगा कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन मिसिंग है तो आप एक फर्टिलाइजर लाएंगे खेतों में डालेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया तो उस यूरिया का काम है इट विल प्रोवाइड ओनली द नाइट्रोजन ओके तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है किस न्यूट्रिएंट की कमी है ब्रिंग इट ऑन यूज इट ओके थर्ड ये वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द सॉइल मतलब आप सॉइल में डालेंगे सॉइल इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है तो बेसिकली इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द सॉइल सॉइल में डाला तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट अब दिक्कत क्या है कि इट हार्म्स द सॉइल लंबे समय तक फर्टिलाइजर का यूज करना सॉइल को डैमेज कर सकता है ठीक है सीवर केसेस में ये सॉइल को बैरन भी बना सकता है बैरन का मतलब है जिसमें कोई भी प्लांट फिर ग्रो नहीं कर सकता तीस अग नेक्स्ट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इट क्रिएट्स पॉल्यूशन मतलब अगर ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ नहीं है बेटा यही फर्टिलाइजर अगर सॉइल से वाटर में चले गए तो वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं और अगर वो वाटर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लंग्स में बहुत डिजीजेस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल्स तो ये फर्टिलाइजर्स के कुछ लॉसेज हैं अगर मैं नीचे की बात करूँ हाँ बेनिफिट ये न्यूट्रेंट स्पेसिफिक है प्लांट में जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है एग्जैक्ट आप उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर दे सकते हैं और दूसरा इट हैव नो रोल इन ह्यूमस फॉर्मेशन ये ह्यूमस बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है ह्यूमस किसे कहते हैं आपने देखा होगा सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में कुछ डिकम्पोज मटेरियल होता है जैसे एक पत्ती गिरी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे पत्ती का कलर बिल्कुल चेंज हो गया डार्क ब्राउन कलर का दैट इज कॉल्ड एस ह्यूमस तो इसका ह्यूमस फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं है बेटा ओके आते हैं मैनवर में अब मैनवर क्या है मैनवर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स ठीक है कैसे बाय डम्पोजिशन हमने डिग्रेस डिग्रेडेशन किया डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस बायोलॉजिकल सब्सटेंस का अगर आप डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है मैनवर मिलता है बेटा ठीक है जैसे बची कुची चीज़ें हैं आपने उनको डिकम्पोज किया और उनसे जो आपको प्रोडक्ट मिला हिंदी में खाद कहते हैं दैट इज़ मैनवर ओके अब मैनवर की सबसे पहली बात तो है बेटा नेचुरल है इसका एक बेनिफिट क्या है इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ठीक है बट एक दिक्कत है ये न्यूट्रिय स्पेसिफिक नहीं है इट इज नॉन न्यूट्रिय स्पेसिफिक मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये इमेजिन करें कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिय को ही सप्लाई करेगा इट इज लाइक अ पूल ऑफ न्यूट्रिय और वो किसी भी चीज को सप्लाई कर सकता है तो एक स्पेसिफिक न्यूट्रेंट के लिए मैनवर को यूज नहीं किया जा सकता ठीक है एक एडवांटेज बताऊँ तो इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मैनवर जो होते हैं वो सॉइल की क्या करते हैं बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है जैसे देखिए एक चीज वन शॉट ऑफ केमिकल इज हार्मिंग द सॉइल इट इज डैमेजिंग द सॉइल द अनदर शॉट ऑफ प्रोडक्ट इट इज इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अगर आप मैनवर्स को रेगुलर खेतों में यूज करते हैं तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इसका मतलब है नाउ सॉइल कैन होल्ड मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और इसकी वजह से जो प्लांट है उसको ये इंश्योर रहेगा कि वाटर की सप्लाई कॉन्टीन्यूसली मिलती रहे ठीक है इको फ्रेंडली हो गया और ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब स्लोली एब्जॉर्ब का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गोबर को डिकम्पोज करके खेतों में डाला जाता है तो धीरे धीरे इसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होगा मतलब इंस्टेंटली न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होंगे या एक साथ ही पूरा न्यूट्रिएंट डिग्रेड होकर रिलीज नहीं होगा स्लोली स्लोली रिलीज एज ए न्यूट्रिय तो ये एडवांटेजेस भी है प्लांट को रेगुलरली न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है तो इफ इट इज रिलीजिंग स्लोली स्लोली प्लांट विल गेट इट रेगुलर इंटरवल्स ओके एंड इट फॉर्म्स ह्यूमस ये ह्यूमस बनाता है तो एक प्रकार से सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को प्रोटेक्ट भी करता है ठीक है तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर बट स्टिल फर्टिलाइजर इज यूज जैसे फर्टिलाइजर का एक एग्जाम्पल है यूरिया बेटा फर्टिलाइजर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि अगेन ये न्यूट्रिय स्पेसिफिक है इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है दे दे विल प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिय टू द सॉयल ओके थोड़ा सा ह्यूमस ये मैनवर में ही और आगे आते हैं अब मैनवर बनाने के दो तरीके होते हैं वन इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग Another is called as composting. एक और है इसमें प्रोसेस उसके बारे में भी एक एग्जाम एक प्लांट का एग्जाम्पल दूंगा कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कंपोस्टिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप मैनवर को बना सकते हैं आपको क्या करना है खेत में कहीं जहां पर डार्क कंडीशन है जहां पे धूप ज्यादा नहीं पड़ती है वहां एक गड्ढा खोदी है और जो भी आपके घर का वेस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है बीट पेपर वेजिटेबल्स लेफ्ट ओवर लेफ्ट ओवर फूड आप गड्ढे में डाल दीजिए जैसे सपोज करो किसी दिन इतना अमाउंट डाला इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए फिर ऐसे कर आप एवरी डे द वेस्ट इज जनरेटेड इन द हाउस क्योंकि हम रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होंगी तो वेस्ट जनरेट ही होगा तो आप ऐसे वेस्ट को डालते रहिए उसके ऊपर सॉइल के लेयर डाल दीजिए एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम डेज इसको ढक दीजिए इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि थोड़ा इसको डार्क कंडीशन चाहिए धूप नहीं वहाँ पर लाइट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा और कुछ दिनों बाद अगर आप इसको इस पिट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इसमें डार्क ब्लैक कलर की सॉइल जैसी दिखेगी दैट इज़ एक्चुअली मैनवर और आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं खेतों में डाल सकते हैं ये हो गई कंपोस्टिंग अब कंपोस्टिंग थोड़ी स्लो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को अगर आपको फास्ट करनी है तो आप इसमें ये डेड एंड डीकिंग मटेरियल के साथ साथ अर्थफॉर्म डाल दो अगर आप इसमें इसी के साथ क्या डाल देते हैं कोई डिकम्पोजर डाल देते हैं जैसे सबसे कॉमन डिकम्पोजर होता है बेटा अर्थफॉर्म सपोज करो आपने क्या डाल दिया अर्थफॉर्म डाल दिया तो अर्थफॉर्म क्या करता है खाद बनने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट तो हमने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया कंपोस्ट बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग मैनवर का एक और अच्छा एग्जाम्पल है या नेचुरली प्लांट को अगर आपको कोई न्यूट्रिय सप्लाई करना है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं सनहैम्प प्लांट अब क्या होता है सपोज करो किसी किसान ने जब हार्वेस्ट कर दिया खेत में मतलब जिस समय फसल काट दी तो आप देखते हैं कि वो तुरंत ही नई फसल को नहीं उगाते हैं कुछ टाइम लेते हैं दे लीव द लैंड फॉर लाइक से थर्टी डेज और फोर्टी डेज अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं उसके बाद फिर वो उसमें प्लॉइंग करते हैं तो बिफोर डूइंग द प्लॉइंग जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्टिंग वट द फार्मर डू या वट द फार्मर कैन डू वो उसमें हार्वेस्ट करने के बाद सन हेम्प प्लांट के सीड डाल सकता है ठीक है अब ये सीड डालने से क्या होता है ये सीड बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं एंड दे कंटेन अबंडेंट नाइट्रोजन इनमें अच्छा खासा नाइट्रोजन का अमाउंट होता है तो नाउ वॉट विल हैपन कि जब ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं तो सपोज करो एक महीने तक छोड़ा तो ये सनहेम्प प्लांट ग्रो कर गए वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी काफ़ी रोबस्ट हाइट हो गई हल्का फुल्का भी अगर ग्रो कर जाते हैं तो फिर इसी के ऊपर क्या कर दी जाती है प्लाइंग कर दी जाती है हल लगा दिया या ट्रैक्टर से खेत प्लॉ कर दिया ओके अब इससे क्या होगा ये जो प्लांट है सनहेम्प प्लांट है ये सॉइल के साथ क्या हो गया मिक्स हो गया ठीक है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्चिंग इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं ठीक है अब इससे होगा क्या क्योंकि ये सॉइल के साथ मिक्स हो गया है तो स्लोली स्लोली ये क्या करेगा सॉइल में क्या रिलीज करेगा नाइट्रोजन रिलीज करेगा तो इससे सॉइल को क्या होगा द सॉइल विल इंश्योर अ रेगुलर सॉरी दिस विल इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन ठीक है नाउ अब इसी मैनवर से रिलेटेड आजकल एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आजकल नहीं लाइक इट्स प्रिवेलेंट फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी ईयर्स और नाउ इट इज पेसिंग अप दट इज दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग करते समय या एग्रीकल्चर करते समय कहीं पर भी कोई केमिकल यूज़ ना करना तो केमिकल फ्री फार्मिंग या जीरो केमिकल फार्मिंग मतलब आपको अगर इंसेक्ट को किल करना है तो आप केमिकल यूज करते हैं हेयर यू विल नॉट यू यूज इट यू विल ओनली यूज इको फ्रेंडली सब्सटेंसेज फॉर फार्मिंग दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे इंडिया में सिक्किम पहला स्टेट था विच बिकम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मतलब इन्होंने किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स को यूज़ करना बंद कर दिया है चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो चाहे हम पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स वीड्स को मारने के लिए विडिसाइड्स अब इसमें एक एक चीज बड़ी पॉपुलर हो रही है जैसे मैंने आपको अभी मल्चिंग बताया इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नोस्टॉक ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास पावर है कि ये सॉइल में या एबिलिटी है कि ये सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज कर सकता है तो नाउ वट दे डू अगर उनको सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करना है तो वो फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके इस नॉस्टॉक को खेतों में डाल देते हैं ठीक है बैक्टीरिया है बहुत जल्दी ग्रो करता है तो क्या करेगा वो सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ा देगा इंक्रीजेज नाइट्रोजन इन द दॉयल ओके okay. अब ऐसे ही मतलब कोई भी जैसे मैनवर यूज़ कर लिया तो कोई केमिकल नहीं है ठीक है वीड्स को यूज़ कर वीड्स को किल करने के लिए कोई और तरीका यूज़ किया बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर दिए तो केमिकल फ्री फार्मिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग सो दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू